फिजा, तो क्या है हमारे पास? तशरीफ लाते हैं हमारे हीरो क्रिकेटर सलमान बट। जी सलमान, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम जिसका नाम है मज़ाकरात। आई एम ऑनर्ड जी, थैंक यू। एक बड़ा एक सवाल आपके, माशाल्लाह। मैंने कहा सवाल तो भाई जन होते रहेंगे, लेकिन सलमान भाई को पहले हम भी तो ईद मुबारक कह देना। जरूर, जरूर। मेरी तरफ से सलमान भाई बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। ईदी देना चाहें तो आपकी मर्जी है। हम तीनों की सबकी तरफ से ईद मुबारक और इनकी तरफ से बस अल्लाह खैर ही करे। सो पिछले 3 साल से आपने क्रिकेट से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। और कितने अरसे बाद हम उम्मीद रखें कि आप एक मर्तबा फिर से हमें दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पे किसी ग्राउंड में नजर आएं? वैसे तो वक्त जो है वो 2015 में खत्म होगा। अच्छा। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह शायद अल्लाह उनके दिल में कोई नरमी डाले तो उससे पहले अगर मौका मिले। लेकिन अपनी तैयारी पूरी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में बच्चों के साथ, गली में, मोहल्ले के शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं? इनके कहने का मतलब है कि अब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, तो क्या अब आप मिस करते हैं अपनी टीम को? ऑब्वियसली बिल्कुल, क्रिकेट मेरा पैशन है और किसी भी क्रिकेटर के लिए अपने मुल्क के लिए खेलना और उसकी कप्तानी करना एक बहुत बड़ा एहसास है जो मैं कर रहा था। और वो तो मैं ही जानता हूँ, ये अल्लाह जानता है कि वो कितना मुश्किल वक्त गुजरता है, क्योंकि जब आप एक ही काम करना चाहते हों और जानते भी वही हों, थोड़ा बहुत जो आता है वो क्रिकेट में ही आता है। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि मैं दोबारा क्रिकेट खेलूँ और पाकिस्तान को इस पहले से ज़्यादा बेहतर सर्व करने की कोशिश करूँ। बच्चा, एक सवाल मेरा भी, मुझे ये बताएं आप घर वालों को मिस करते थे जब आप टीम के साथ, कई ईदें आपकी बाहर भी गुजरी होंगी, आप किसी टूर पे होते होंगे, तो उसी कार्डियन मिस करते थे, जो अपने देश दा जाज उतों दी लंगदा है, फिर नाका दा एक नाक दिलान। आप तो क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मिसेज है अब वो तो नहीं ना आपको मिस करती? नहीं, वो तब भी मेरे साथ ट्रेवल कर रही थी। बड़े बड़े अच्छे पहने, ये गत्ते के हैं? सिर्फ मैंने नहीं पहने, वो शहबाज शरीफ साहब भी यही पहनते हैं। ये बताइए, आप और आमिर हमेशा इंटरव्यू देते हुए टीवी पे नजर आते हैं, तो क्या टीवी को सफाई पेश करने के लिए यूज करते हैं या फिर थोड़ा सा सवाल? सफाई करानी हो ना तो इसको ले जाया करें, बड़ा अच्छा बावर्ची है, बड़े अच्छे खाने पकाता है, सिर्फ लेवी पकाता ही। बच्चों खाना तैयार, मुझे जवाब तो लेने दे। जवाब ले, जवाब ले जी। सर देखिए जी, सफाई तो उस चीज की होती है जो गंदी हो। मेरा ख्याल है कि हम लोग आते जरूर हैं, वी रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, और हर एक का अपना राइट होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं है, बट जो एक्चुअली हमारे जहन में होता है हम वो बात करते हैं। ये जो 3 साल का अरसा गुजरा है सलमान, इसमें क्या किया, क्या रियलाइज किया, कोई कारोबार किया? धोबियों की दुकान पाई थी। हीरो आदमी, उनको काम करने की क्या जरूरत है भाई जी ना? आप भी कोई बंदों वाले सवाल करें ना। अच्छा चले, हीरो वाली बात की है ना, तो आप खामोश हैं। लंबी कुड़ी बारा ही नहीं खाती थी आपकी मेहरबानी। वो तो बहुत शरीफ आदमी है, यो बहुत चलाक आदमी है। जो वो क्या, जो धोबी की दुकान पे गया तो कहने का भाई स्त्री के कितने पैसे? उसने कहा 20 रुपए। 20 रुपए रख के उसकी स्त्री उठा के भाग ली। हाँ तो स्त्री के 20 रुपए कह रहा था तो मैंने दे दिया भाई, प्रेस के 20 रुपए कह रहा था वो। और ये भी क्या, स्त्री वाली दुकान पे? अच्छा, शुक्र है तुम आ गए हो, मेरे कोले खत्म हुए थे। फेसबुक पर जो आपका फैन पेज है उसमें बड़ी सारी लड़कियां फैन हैं आपकी, बहुत सारी लिस्ट है, तो कोई ऐसी फैन जिनको आप मिले भी हो, पर्सनली बात की हो और आपने उनकी ख्वाहिश पूरी की होगी कि भाई ये लीजिए अब मैं आपके सामने हूँ, मेरे साथ तस्वीर खींचिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जैसे वो मान जाएंगे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं आप। अगर कोई फैन लड़की इनके पास आए और इनके सर पे अपनी चुनरिया रख दे तो ये भी उसी की तरह लगेंगे। क्या रिएक्शन है इस सारे सिनेरियो का आपके फैंस का? देखें ऑब्वियसली थोड़े क्रिटिक्स इंक्रीज हुए हैं, बट मैंने कोई लूज़ नहीं किया। कोई जो मेरा फॉलोअर था वो आज भी है, एंड मैं उसके लिए अल्लाह का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि जो लोग पसंद करते हैं वो आज भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं जाते हुए किसी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी हो या पीछे से कोई बोला हो। तो ये अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है कि उस तरह से, जिस तरह चीज़ें एक टाइम पर नज़र आई थी टेलीविज़न के ऊपर, उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं मिला। ऑब्वियसली लोग
क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही मेरी इंस्पिरेशन है, मैंने इन्हीं को वापस आके और अच्छा करके दिखाना है। अगर ये नहीं होंगे तो हो सकता है मेरे काम की क्वालिटी वो ना रहे। अच्छा ये बताएं कि सारा ही यार एक मिनट, थोड़ी बहुत दिहाड़ी लगी? नहीं कोई दिहाड़ी नहीं लगी। कोई नहीं, ऐसे इल्जाम। आपको दो सवाल करने होंगे, आपकी खूबसूरती का राज और आपकी बदसूरती का राज। खूबसूरती का राज के अच्छा कमीशन और पहना है, रंग गोरा है, लिबिया की नर्स लग रही है और आप भी श्रीलंका की दाई लग रही है। अच्छा अमूमन पिछले जो इलेक्शंस गए उसमें देखा गया है कि जैसे औरतें या मर्द जो हैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे औरतें जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं, जो मर्द हजरात हैं अमूमन पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एज इन क्रिकेटर क्योंकि वो भी क्रिकेट में थे, तो आपने किसको सपोर्ट किया, पीटीआई को सपोर्ट किया, नून लीग को सपोर्ट किया या फिर चॉइस? बिल्कुल हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे ख्याल में खवातीन तो ऑल आउट पीटीआई के लिए ही गई हैं। जितना कि मैंने ऑब्जर्वेशन है हमारा तो कंप्लीट डोमिनेशन थी जी पीटीआई की, देयर वाज नो अदर नेम टेकन। हाँ लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बट है, कश्मीरी है और आप सलमान बट है, तो आपकी तो ज्यादातर सपोर्ट जो है वो नून लीग के साथ होनी चाहिए मेरे ख्याल। नहीं, आई विश देम ऑल द लक, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करें। बट हैं, ठीक हैं, हमारा खाने पे जरूर एक चीज हम एग्री कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो खाने के अलावा मुल्क चलाना इज अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब वोट आपने इमरान खान को दिया और मियां साहब को सालन बना के भेजता है? मैं बना के देता हूं। हाँ। तेरे को कोई थड़ी नहीं बनवाऊंगा, सालन किने बनवाना तेरे को? हमारी इस मजाक रात में मजाक का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी बहुत सारी तालियों में रुस्तम है पाकिस्तान, उस्मान बिल्लू शेखुपुरिया। कुश्ती तो पहले ही है ना, ना नाचते हो थकते नहीं? इंग्लिश भी जानते ना पहलवान आजकल। बिल्लू पहलवान साहब, पन्ने पहलवानी का इस वक्त जो हाल है, क्या ये तसल्ली बख्श है? नहीं नहीं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पा रहा है कि ये बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। जो हमारी पहलवानी थी वो जारे पे आके ख़त्म हो गई है। जब मैं रुस्तमे पाकिस्तान हुआ, जो मेरा नाम से मंसूबा है टाइटल पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान, तो अफसोस की बात है कि जो मुझे भेज रहे थे, जिन्होंने मुझे भेजा है वापटा की तरफ से कि तुम जाके कंपटीशन लड़ो, उन्होंने बाद में एक मुबारकबाद का भी पैगाम नहीं दिया मुझे। जब मैं वापस आया हूँ तो कोई मुझे उधर लेने के लिए नहीं आया कोई, वैसे ही हौसला अफजाई के लिए भी बंदा मौजूद होता है, एक बंदा नहीं था। मैं भी सुनया के बजाय इन्हां नूं वापडा ले इनाम दें दे, इन्हनु बिल डबल भेज दे। मैं सलाम पेश करना अपने अजीजी साहब जिन्होंने उस तो बाद इन्हू मैनू जो उन्होंने सारा देखा या उन्होंने दिल च की आया उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर देखा, तो मैं इन्होंने अपना मुँह से नहीं कहूँगा कि इन्होंने सुनदे हो रियाज अहमद चौहान साहब ने, उन्होंने मैनू 10 मरले का प्लाट तो मैं 5 लाख रुपया इनाम दिया। उस्मान जी मुझे एक बात बताइए, आप ये जो बातें कर रहे हैं आप क्या समझते हैं, ये सुनने के बाद आगे नस्ल में कोई या कोई बच्चा सोचेगा कि मैं भी पहलवानी की तरफ जाऊं? दिल टूट जाएगा उसका, बिल्कुल दिल टूट जाएगा, इसलिए कि मैं जब वो जो मुझे देखता है रोल मॉडल बनाना ना किसी को, वो देखता है कि उसमें पाकिस्तान है और कब्रिस्तान में अखाड़ा है इसका शेखपुरा में, उधर ट्रेनिंग करता है, जब कोई लेडीज आती हैं कोई आती हैं तो हम साइड पे हो जाते हैं, जब वो दुआ मांग के चले जाते हैं फिर हम दोबारा अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जब ये सारा सिस्टम देखते हैं तो कैसे कोई बंदा पहलवानी करेगा? कोई सियाती है कब्रिस्तान में, वो एक्सरसाइज करते हैं, उधर सरदाई रगड़ते हैं, ये मुंह उधर कर देने मुर्दा निकल के सरदाई पी के फिर सो जाता है। बुरी बात। बिल्लू साहब, अच्छा पहलवान बनने के लिए कितनी खुराक दरकार होती है? देखें जी, अच्छा पहलवान बनने के लिए एक दिन में तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया लगता है, जो बंदा जो पहलवान है जो अच्छा रेसलर बनने के लिए 3-4 हज़ार रुपया डाइट है जो उसने खानी होती है। जी लोग तो सवेरे सवेरे सेवियां खाते हैं, तो आप फिर बकलों की पूछले निकाल के उनको इकट्ठा करके सेवियां बना के खाते हैं।
नहीं जी, हम भी सेवियां खाते हैं, अगर उससे भी दिल ना भरे तो फिर आप जैसे तीन चार होते हैं वो खा लेते मुझे कुछ कहा आपको बहुत अच्छा कुछ कहा, पेडुओं का जिक्र किया। अच्छा आपकी बेइज्जती खराब हुई, आपकी बेइज्जती खराब हुई। सीट पे पहलवान जी ने सेवियां नहीं खाई, वो सेवियां बनाने वाली घोड़ी खा गए। अबे घोड़ी क्या खानी थी, सेवियां बनाने वाले दो तीन कारीगर भी खा गए। आप वापटा की तरफ से लड़ते जी, वापटा की तरफ जेड़ा बिजली की शिकायत करना वे ओदे ना लड़ते। हां वो उसके साथ भी लड़ ले, उसके साथ बड़े बड़े पहलवान होए जी दुनिया में। उस्मान पाई मां बड़ी पहलवानी की है, मैंने बड़ी बड़ी पहलवानी की थी मैंने। तुसी लारी अड्डे खोल दे हुंदे नहीं नहीं, ये 20 साल कुले ने किदे नाल 20 साल लड़े ने किदे नाल सर, बीमारियां दे नाल पहलवानी की है मैंने, बीमारियां दा पुत्र ना होवे ते अबे दा ना दमा टीबी है जिनू मटाया। क्या क्या कुश्ती किया तुमने? बस पहलवानी की थी है, मैं आगे गाल तोड़े कि तेरे घर भी ना। माफ करे, ये तो ऐसा पहलवान है इसको मच्छर लड़ने आ जाए ना तो ये किसी को जाके बताए भाई मुझे मच्छर लड़ गया, वो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं भाई भाई लड़ी पड़ते। गाल पहलवानों की हो रही है, मैं बीच मुछा जोड़ लिया। मच्छर किथों लड़ना, इसको तो डेंगी लड़ा। अच्छा, डेंगी खुद पपीता ढूंढता फिरता था। कहा मेरे वाइट सेल खत्म हो गए, मैंने खाना। ये पहलवान भला कहाँ लड़ता है? कहाँ? गिट्टे पे। लो दस। लो जी पहलवान जी, मैंने भी बढ़िया कुश्तियां की हुई है। कुश्ती करो तुसी ते कहानी करन दे। शहीद कहानी वाले के साथ मेरी कुश्ती थी, वो उधर से सीधा आया, अल्लाह माफी दे इतना आया ना ओदा बना जा, उधर से सीधा आया आ गया, उधर से आवे सीधा आ गया, ओए चैनियों खाली बाकियां नु कैद बोल गई नी सीधा आया, उधर से सीधा आया, उधर से मी आया, हाय हाय दंगल कैंसर हुआ सामने सा। जी मेरा दंगल पिया जीरे बांदरी नाल, ओथे पिया या चुकला जाके जीरे बांदरी नाल मेरा दंगल पड़ा। भाई सीधा कहो कि अब्बू के साथ लड़ पड़े। जीरे बांदरी नाल मेरा दंगल होया, उधरों ओ निकलिया, इधरों मैं निकलिया, उधरों उन्होंने दो कबूतर छड़े आ, इधरों इन्होंने कैच करके अगे बेच दिते। उधरों पहलवान निकलिया, इधरों मैं निकलिया, फिर निकल गया जेब चो 100 दा नोट निकलिया, उदों दा ये खाड़े चो निकलिया। जेड़ा पहलवान नाल कुश्ती करदा सी ना ओ दंगल तो पहले तेल मलता सी, इस नाल कुश्ती तो बाद खारश वाली दवाई मलता। बाकी पहलवान सारे तेल मलते थे, वाहद बंदा जेड़ा ग्रीस मल के आंदा सी। पहलवान अगर अच्छा हो बदाम चूरिया, मैं वड्डी भैण लो मसां ही दाल खांदा, प्यो मर गया यतीम हो गया, कट्टा कुलना सी, अम्मी ने दूजा व्याह कर लिया सैंडो सप्पा वाले नाल। पहलवान इस्त्री करा के लिया, उधरों उस पहलवान ने कपड़े लाए ने, इधरों इस पहलवान ने लाए ने, इन्हें ठंड लगी इन्हें फेर पाए, कुश्ती जड़ी तुहाडी सी। सामने पहलवान निकलिया, इधरों साडा पहलवान निकलिया, पहलवान ने कपड़े लाए ने, इन्हें चौके दौड़ ला, पिछे पिछे मेरा सूट दे जा, मैं अपनी मासी कोल जाना। उस्मान जी, ये तो बहुत सीधी है हमारी, जो एक दफा चल पड़ती है तो फिर खत्म नहीं होती है, लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, चीधा चीधा बातें की हमारे साथ, हमारे जो नाजरीन और ऑडियंस यहाँ में बैठे हैं उनका उनके साथ अपने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है
कि जब आपका ये पैगाम बड़े हुकाम तक पहुंचेगा, बल्कि ये पहुंच चुका होगा, ये देखते पहुंच देखते चुका हुआ है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे दोबारा गौर किया जाएगा और आगे आने वाले पहलवानों के लिए और भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और हम एक बार फिर अजीज़ साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर एक बार हम मिलजुल कर इनके लिए कुछ किया जाए। यार इतना बड़ा पहलवान है, मैं अपनी खुशी नाल खुश हो गए, तेरे को 1,000 रुपया लेना रूस में पाकिस्तान है, मैं खुश हो गए अपने लोग, तेरे को 5,000 रुपया मांगना हर महीने। विजय कुछ देर के लिए हमें यहाँ से दूर ले चलो। 1, 2, 3, 4 अल्लड़ बल्लड़ भावे गाते बावा कणक ले आवे गाते बावी बैके चटेगी ते 100 रुपया वटेगी अज 100 रुपए च हुंदा की इथे मसले रोटी सालन दे इथे मसले बरचे पालन दे गुरबत के सताए क्या जाने हैं ऊंचे के दीवानों के। डीजे हमारे पास लिस्ट में आगे कौन सा मेहमान है? मैं अभी बता देता हूं हाजरीनों सामईनों नाजरीन, आप सबको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में के जिसको मजाक रात का नाम दिया गया है, इसमें साढ़े देर अगले मेहमान ने गबरू जवान अपनी तर्ज का वाहिद सोना अछूता नवेकला वाहिद दूर दूर तक कोई सानी नहीं जरा पाई और राति जमया कोई नहीं तशरीफ ले आते ने अबरारुल हक। शादी के बाद कितनी भी ईद है आपकी? 8वीं। 8वीं? 1 साल रह गया मेरी रिटायरमेंट च। इन्होंने अपने बच्चे बेच देने फिर। बड़ा बेच दे, बड़ा बेच दे ना मैं। एक तो मैं मुबारकबाद आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इन लोगों को आपने शो में मतलब ये जीनत बने शो की। अरे माशाल्लाह। क्योंकि हसाना आजकल इतना आसान काम नहीं है, रुलाने के लिए तो बिजली का बिल ही काफी। बिल्लो और प्रीतो के बाद अब किस नाम पर फोकस है आपका? अब जो अगली एल्बम आ रही है उसका इंतजार करें, आपको पता चल जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, खूबसूरत गाना गाने वाला आदमी, सोशल वर्कर, इतनी सारी डायमेंशन है इस पर्सनैलिटी की, तो एक मुकम्मल फ्रूट चाट सी बन गई है अब। तो घबराते नहीं हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, लव माय लाइफ। घबराना की, चौधरी आदमी जट बंदा, सिर ते पग बंधा हुंदा सी, मुछा रखदा हुंदा सी, खुस्सा पाउंदा सी, चीकू चीकू करन वाला। ओ चौधरी दी निशानियां नहीं हुण ते बह जा साइकिल ते, चंगा भला चौधरी हो के साइकिल ते पाउंदे आ, हुण ते मौत ते खूह वाले पग्गा बन्नन लग पे ने। तो आपको जब एज अ सियासतदान जब सबके सामने जाके खड़े हुए और आपने वो एक सफेद कुर्ता शलवार और वाइट ब्लैक वेस्टकोट पहना और एज अ पॉलिटिशियन आपने एक पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट किया, तो डू यू थिंक एक्सेप्टेबिलिटी हुई लोगों की या उसी तरह बातें हुई जो सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी में होती हैं, क्या गांड बजाने वाला है सानू की रिप्रेजेंट करेगा जाके उत्ते? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक तो उसकी वजह यह भी थी कि मेरे इलाके में मेरे चचा और मेरी जो फैमिली के डिफरेंट लोग थे वो भी पॉलिटिक्स करते आए थे काफ़ी अरसे से, 60s से करते आ रहे थे, तो फैमिली को मेरे उस हवाले से ही पहचाना जाता था। बल्कि शुरू शुरू में जब मैं म्यूज़िक में आया तो उन्होंने इसको मायूब भी समझा, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ये अभी दुनिया चेंज हो रही है, इससे इंशाल्लाह आई विल नॉट ब्रिंग बैड नेम टू माय फैमिली। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अस्पताल वाला मामला भी हो गया, वो चल रहा है इतने अरसे से, और फिर मेडिकल कॉलेज भी, तो लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं, बल्कि बड़े ममनून भी हैं। हालाँकि मैंने वो अपनी हर तकरीर में जाके यही कहा कि यार हस्पताल की वजह से वोट ना देना, उसको मैंने अपनी आखिरत के लिए जरिया बनाना है, अपनी निजात का, अपने वालिदैन की निजात का जरिया बनाना है। अच्छा इब्रार भाई, अगर आपके सीट हाथ लग जाती तो कौन सी वजारत को हाथ डालते? वजारत अगर हमारी हुकूमत बनती तो फिर वाली बात थी, मुझे सोशल वेलफेयर की तरफ अगर मौका मिलता, लेकिन मैं अपनी पार्टी का इस वक्त जो है वो इलेक्टेड सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हूँ। वो जो पार्टी ने इनको फॉरेन अफेयर लगा रखा है वो क्यों लगा रखा है? क्योंकि इनके सारे अफेयर जो हैं वो फॉरेन फॉरेन है। इमरान साहब को बहुत जल्द इस्लामाबाद से फैक्स आने वाली है,
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਉਹ ਫੈਕਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੂੰ ਚਾਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡੀਜੇ ਵੰਡ ਸੀਜਨ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਡੀਜੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਬੱਸ ਮੇ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਕੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਧਰ ਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹਾ ਔਰ ਇਹ ਗਾੜੀ ਕਾ ਸਰੰਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮ ਹਮੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ ਇਬਰਾਲ ਸੇ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਏ ਅਕਸਲ ਹੋਏ ਸੰਡ ਬਨ ਗਏ ਫੇਰ ਨੂੰ ਅਕਸਲ ਹੋਏ ਸੰਡ ਬਨ ਗਏ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਲਈ ਇਬਰਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਲ ਮਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਬਰਾਦ ਦਾ हेलो अरे क्या कर रहे हो तुम भाई मैं इस वक्त प्रोग्राम में हूं और क्यों बार बार फोन कर रहे हो घर पहुंचूंगा तो तुम्हें ईदी दे दूंगा सारे रमजान तो तुम नजर नहीं आते हो और ईद वाले दिन तुम ईदी मांगने चले आते हो पहुंचूंगा तो दे दूंगा अभी अभी बात नहीं कर सकता मैं खुदा हाफिज कौन था अरे यार शहरी में जगाने वाला था और कौन था सारे रमजान नजर नहीं आता है और ईद वाले दिन सरकार आ जाते हैं ईदी लेने के लिए क्या कर रहे हो भाई तुम रोजेदार हो ईमानदार हो अल्लाह के प्यारो अरे वो कंजूसी ना करो इतनी बारो रोजेदार हो अल्लाह के प्यारो ननान दे मुंह वाले क्या मान रहे इतनी बारो इतनी तो भाई तुम्हें अंदर किसने आने दिया उसी ने जो बाहर जाने देगा लेकिन बाहर का दरवाजा तो बंद था एक दर बंद 100 दर खुला हुजूरे वाली पिछले दरवाजे पे मेरे मामू के बेटे की ड्यूटी है एकदम मजा आया हुजूरे वाली ओए वाली राह वाली मलाई वाली जड़ा जड़ा वाली दाना वाली लगा बेटा डगा
वो कुछ कह रहा है ढोल की जबान में, क्या कह रहा है? कह रहा है दूर फिटे यार, समझ तुझे आती नहीं है तो मुझको पता जाना यार। ओ ही क्या ही? नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता भैया। ये भाई अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, क्या कह रहे हैं अर्दली साहब, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। नहीं भाई उनने कुछ कहा है क्या? समझ नहीं आई आपको? आएगी भी नहीं, मैं सुनता हूँ, मैं सुनो जाना सर। चाचा आपसे उम्मीद नहीं थी ये मुझे। यार तुम सारे बोले थे टूरे कहना सारे डूब के मर जाओ। एक मिनट ठहरियो जरा, क्या कह रहा भाई? सही कह रहा ये, क्या वो कह रहा सारे डूब के मर जाओ, वो कूड़े वाली टोकरी के पास बैठे हो। अरे यार ये गुफ्तगु बंद करो, तुम मुझे ये बताओ, ये तुम रमजान के आखिर में क्यों नजर आते हो भाई? भाई ईद के चांद जो हुए, इतना बुजुर्ग चांद मैंने पहले नहीं देखा। कब से निकल रहा है? बुजुर्ग नहीं होगा तो और क्या होगा? मगर मेरी बात सुने, अब तो इतने सारे मोबाइल आ गए जो अलार्म वाले होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई, ऐसी घड़ियां आ गई, हमें आपकी क्या जरूरत है? क्या फायदा हमारी जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आपको जगाएं भाई, हम आते हैं, आप हमें पैसे देते हैं, हम आपको दुआएं देते हैं, आपकी बख्शिश का जरिया है हम। अच्छा तो तुम बख्शिश, हमारी बख्शिश के लिए करते हो, पैसे लेते हो? हाँ, इसने दोजख में जाना है, पल्ले से क्या देते हो? हम जेड़े में पैसे देते वापस करो, मैं अभी 200 रुपए देता हूँ, तू फौरन दोजख पहुंच। अच्छा सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप खुद भी ढोल बजा लेते हैं? मैं ढोलों का ठेकेदार हूँ। मेरे माशाल्लाह 5,500 ढोली हैं। 5,500 ढोली है? एक ढोल से शुरू किया था काम। हाँ पहले इनके पास एक ढोल था, फिर इन्होंने जाग लगाई, फिर ज्यादा ढोल हो गए। इस वक्त 5,500 है केपीके में। हाँ केपीके में है 350। हाँ तो ये ढोल होता ही नहीं, क्या और दूसरा होता? हैवी मैंडेट ढोलिया हूँ। आप नॉन लीग के ढोल वाले? हर लीग का। एक साल आ गया मेरे लटार हो, तुम्हें भी बजाने के लिए ढोल दूंगा, एक साल पूरा बजाना। सबसे पहले आपने ढोल किधर बजाया था जी? सबसे पहले मैंने जो ढोल बजाना शुरू किया, जहाँ से मुझे असल बरकत पड़ी, रायबंद, वहाँ भी ढोल बजाया। पहले मियां साहब हाल खेलते थे ढोल लगे। हर सियासी पार्टी के ढोल बजवाता हूँ मैं। वहाँ पे कौन सा ढोल बजता है रायबंद में? 1983 से 2013 तक हमेशा वहाँ जीत का ढोल बजा, जीत का ढोल सुना जरा इन्हें। बीच में मैं कोई 5-7 साल फारिग रहा हूँ। फारिग रहा से मुराद क्यों? वो रायबंद वाले रायबंद में नहीं थे और उनकी जगह पे जो साहब आए थे वो खुद बहुत अच्छा बजाते। अच्छा मुझे ये बताइए, ये पीपल्स पार्टी वाले क्या बजाते हैं? पीपल्स पार्टी वालों के लिए मैंने बड़ी जबरदस्त खुशियों वाली और लहरों वाली धुन बनाई थी। अच्छा, लेकिन उस गत जो मैंने उनके लिए बनाई पीपल पार्टी के लिए, इलेक्शन में जो उसकी दुर्गत बनी है ना, और जो वो अब रह गई है गत, वो सुन लीजिए। पीटीआई वाले, पीटीआई इमरान खान के लिए एग्जैक्टली, उसके लिए मैंने लंबी लंबी लहरों वाली, ऊंची ऊंची बहरों वाली और बहुत लंबी गत बनाई थी। अच्छा, लेकिन वो गत जनाब इलेक्शन से निकली है तो क्या रह गई है वो सुन लीजिए। एक साल रह गया मेरे रिटायर होने से, मैं तेरे नवा जहाज ले देना उन्होंने कभी ढोल सुना? नहीं। डीजल टोल सुना। जो मौलाना जो है ना, टोल नहीं, मौलाना की बात है, मौलाना ना ढोल सुनते हैं,
ढोल बजाते हैं, वो अपना ढोल बजाते ही नहीं। फिर वो जहाँ खुशी और जीत का ढोल बज रहा होता है ना, उनके भावने आगे शामिल हो जाते हैं। तो रह गया 90 पे, मैं ढोल नहीं बजाता। अच्छा, क्योंकि 90 पे जो ढोल बजता है वो बजता लंदन में है और उसकी गूंज सुनाई देती है 90 पे। सिंगर को हम दावत देने जा रहे हैं, वो बहुत नटखट सी, चुलबुली सी, बहुत मासूम सी, बहुत यंग, छोटी सी एज है मगर बहुत मज़े का गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और अब उनको हम यहाँ पर दावत देने जा रहे हैं, जो कि अभी आएंगी और गाते भी आएंगी और यहाँ पर जो है मस्ती बिखेर देंगी। सारा रजा, बहुत सारी तालियों में।
तशरीफ लाते हैं हमारे अगले मौजूद मेहमान, दुनिया न्यूज के सुपरहिट प्रोग्राम हस्ब हाल के सुपरहिट कैरेक्टर जनाब अजीजी साहब। माशाल्लाह खानेवाल दे रेलवे दे फाटक जिड्डा मुंह है तेरा। माशाल्लाह समुद्री जहाज जब खड़ा होता तो इसके मुंह से बांधते। तू क्या से? अपने घर चला जाते थे, बच्चे कह रहे भाजी कितनू मिलना है, गोल चक्कर आया बादल की पग जिडा मुंह तेरा। वैसे पादू कभी बाहरले मुल्क गया ना एयरपोर्ट से तेरे मुंह का रौला पै जाना, उन्होंने कहना मुंह बुक कराना के हैंड कैरी करना जे। फरिश्ता ने इन मिट्टी लैके जो मुंह बना तैयारी लाने लगा तो उत्ते रख टुर पिया जो बर्फानी खोते पूरा मुंह वेखन का वीजा ही नहीं मिलता भाजी। स्पीकर मुंह खोल के सुता पिल्ली बच्चे दे गए। चलो कुछ दे गई। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे दुनिया टीवी वालों ने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ नए मेहमान आए हैं, उनको जाके खुश आमदीद कहो। शुक्रिया। मगर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया ना, आप लोगों ने अच्छा किया ना, आपके बुजुर्गों ने अच्छा किया।